के क्वेश्चंस वगैरह करके देखे हैं आप लोगों ने? आ रहे, क्योंकि टॉपिक तो कवर हो गए, मूल कॉन्सेप्ट वाले जो जो ओरिजिनली मूल कॉन्सेप्ट है उसके टॉपिक तो कवर हो गए अपने, है ना? मोल कवर हो गया और सारे कंसंट्रेशन टर्म्स कवर हो गए। आ रहा हाँ, है तो आगे उसमें के शीट में टॉप जो क्वेश्चन थे वो करें। हाँ शीट के लेवल वन तो होगा। क्या पोजीशन है किसके की? एनसीईआरटी के? एनसीईआरटी में तो अलग अलग डिफरेंशिएट करके दिया नहीं हुआ। लेवल शीट कर ली, लेवल वन लेवल टू वन पूरी नहीं की? क्यों भाई, आप तो करो, आप तो कर रहे हैं, बैठे तो लगो आप तो। आशा नहीं शीट की। मानवेंद्र तो अभी आए हैं, और किसने कर ली? शीट कर ली क्या? हर्षित, वर्णित, हर्षित नाम नहीं है, क्षितिज, क्षितिज वर्णित कर लिया क्या? शीट एनसीईआरटी क्वेश्चंस किससे प्रैक्टिस की अभी? मैम लेवल मल्टी क्वेश्चन के मैम लेवल वन के किए हैं, प्रॉब्लम आ रही है, हो गए हैं। नहीं गई आपकी। अच्छा, और वेरोनिका भूवी आपका क्या चल रहा है? लेवल वन स्टार्ट ही किया है। अच्छा करो भाई, ये क्वेश्चन था ना वेरोनिका, आपने एनसीईआरटी कर ली है? अच्छा पूरी करी, अच्छा हाँ, क्या कह रहे हैं अंशु? दो तीन क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, दोनों तीनों नोट करके लायो, है ना? चलो रजत जोर से पढ़ना, पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट होने वाली है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अंशुल ने कुछ दो तीन क्वेश्चन पूछे हैं तो पहले हम लोग उनको सॉल्व कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम आया अंशुल को, है ना? कहाँ के क्वेश्चन है ये तो बता दो। किसने? वही मैंने कहा, मेरी शीट का तो ये डॉट वाला क्वेश्चन है नहीं। बोलो भाई रजत। हाँ, 1 माइक्रोग्राम मास है आपका, है ना? माइक्रो बोले तो 10^-6 है ना? ऐसा डॉट बनाना है ना? तो इसमें क्या बताने हैं आपको? नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम निकालने का क्या प्रोसेस है? क्या करना है? मोल निकाल लो, मोल से एटम पे चले जाओगे, है ना? मोल ही तो निकालते हैं सीधे हम लोग, मोल निकालते हैं, फिर मोल से एटम निकालना है तो किसका मल्टीप्लाई कर दें? एवोगाड्रो नंबर का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा? आपका नंबर ऑफ एटम आ जाएगा। अंशुल बोर्ड पे देखिए, अभी नोट थोड़ी करना है। अब क्या हो गए आप? क्या हो गए? 11th में पहुंच गए तो बड़े हो गए अब, ठीक है? तो बोर्ड पे ज्यादा ध्यान दीजिए। रिटेन नोट्स और रिटेन मटेरियल तो बहुत अवेलेबल है, ठीक है? जिस समय जो चीज समझाई जा रही है उसको समझ लीजिए। तो नंबर ऑफ एटम आपको निकालना है, एक डॉट का मास आपको 1 माइक्रोग्राम दिया हुआ है, तो गिवन मास आपके पास है, जीएम क्या हो गया? ये आ गया, है ना, जीएम। तो अब आप मोल निकाल लो फटाफट, जीएम बाई एमएम ले लेते हो एटम का, कैसे है तो एटमिक मास आ जाएगा। कितना लेते हो? ये आ गया। अब क्या करोगे? एटम निकालना है, नंबर ऑफ एटम, तो एटमिक उससे मल्टीप्लाई कर दोगे एनए से, यही आएगा। सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा, इसको सॉल्व कर लो, अप्रॉक्सी में देख लो, ये 12 है तो अप्रॉक्सी में कट करने अगर तो 1/2 आ जाएगा। 1/2 को
अप्रोक्सी में 0.5, वैसे एग्जैक्ट निकाला करो, अप्रोक्सी में। अप्रोक्सी में कौन निकालता है, ये कितना आएगा है ना? अगर 5 में ये कर लो तो क्या आ जाएगा, 16 या 18। अच्छा ये प्लस है ना, अब यहाँ पे करोगे तो 16 आ जाएगा क्योंकि ये माइनस में आ रहा है ना। क्लियर है आंसर, बाकी लोगों को भी क्लियर है? हो गया? तो आपका दिमाग क्यों नहीं सोच पाया इसको? अच्छा आप डॉट डॉट दे दिया तो घूम गया उसमें, डॉट का मास तो गिवन है ना। अपने को देखो क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आता है आपका मोल कॉन्सेप्ट का हो या किसी भी कॉन्सेप्ट का हो, पहले सबसे पहला स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या क्या डेटा गिवन है। हाँ नहीं हो सकता ऐसा, तो मैं आपको क्लेम ऐसा नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिखा रही हूँ कि पहले अपने को किस पे फोकस करना है, क्या डेटा गिवन है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, क्या हमको निकालना है, ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है। अब उस कैलकुलेशन के लिए हमको क्या क्या डेटा उसमें से चाहिए, उसको यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट बोल दो अंशुल। ले लो, अगर 7 दिया है तो 7 ले लो, डेटा 7 दे रखा है तो। कौन सा क्वेश्चन है, 6। चलो रजत जी रीडिंग करिए। लिक्विड मर्करी की डेंसिटी दी हुई है ना। चलो मोल्स पूछ रहे हैं आपसे, कितना मेटल है, 1 लीटर। हाँ 1 लीटर दिया हुआ है मरकरी का, मोल्स निकालना है तो जीएम निकाल लो, ये 1 लीटर है ना मरकरी लिक्विड के, तो जीएम निकाल लो, गिवन मास निकाल लो। गिवन मास कैसे निकालोगे, फिजिक्स का फॉर्मूला लगा दो सीधे सीधे, कई जगह मास निकाला है ना हमने ऐसे, एम इज इक्वल टू वी इन टू डी। वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर है, यहाँ पे चीज डेंसिटी सेंटीमीटर क्यूब में दी हुई है तो इसको भी सेंटीमीटर क्यूब में ले लो, तो 1000 ml हो जाएगा, ml इज इक्विवेलेंट टू सेंटीमीटर क्यूब, बात एक ही है। तो ये आ जाता है आपका 1000 और दिस इज 13.6, तो मास आप कैलकुलेट कर पाएंगे क्या आएगा, 1360 है ना, एक और जीरो आएगा। चलो ठीक है भाई, कैलकुलेशन आपकी ठीक है, ये आ गया आपका मास। अब क्या मोल ही तो निकालना है, मरकरी का एटमिक मास कितना होता है बताइए, नहीं दिया क्वेश्चन में, नहीं गिवन है तो याद रखना पड़ेगा कितना होता है, 80 होता है मरकरी एटमिक मास, 80 तो वो होता है एटमिक मास होता है, एटमिक नंबर होता है मरकरी का, इसमें चाहिए आपको एटमिक मास तभी आप कर पाओ। गूगल बाबा से देख लो, 80 एटॉमिक नंबर होता है, किसी के पास गूगल बाबा है तो देख लीजिए, हो जाएगा ना, 00 था, एटमिक मास लगा दो आ जाएगा। कितना है मरकरी का एटॉमिक मास वेरोनिका? 200.6 तो रख लो इसको, अब देखो कितना आएगा आपका, वैल्यू कैलकुलेट कर लो, 200.6 था ना,
अब ये वैल्यू देख लेना कितनी आएगी, है ना। अगला बोलो जल्दी, आंसर बोलो, फिर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे ना अपन। क्वेश्चन बाकी लो, ऑनलाइन बच्चों को समझ आ रहा है, ऑफलाइन वालों को तो आ रहा है। क्वेश्चन क्या था ये वाला, लिक्विड मरकरी की डेंसिटी गिवन थी, मोल्स निकालने थे आपको और मरकरी का वॉल्यूम गिवन था। तो मोल्स के लिए हमें क्या चाहिए था, जीएम चाहिए था। गिवन मास, तो मास कैलकुलेट कर लिया कैसे, वॉल्यूम पता था, डेंसिटी पता थी, तो मास निकाल लिया एम इज इक्वल टू वी इनटू डी से, मास अपना ग्राम्स में कैलकुलेट कर लिया और फिर उसके बाद एटॉमिक मास से डिवाइड करके मोल्स निकाल। ठीक, चलो भाइयों, वन मेट्रिक टन ऑफ मेट्रिक टन यूनिट होती है आई थिंक, वन मेट्रिक टन इज इक्वल टू 100 kg होता है थिंक। थाउजेंड होगा भाई, कंफर्म करो, मुझे याद नहीं मेट्रिक टन का, जरूरत फिजिक्स में पड़ती है इसकी, इसमें पड़ती नहीं है, ऐसी यूनिट्स देते नहीं है जेई में। तो अच्छा 1000, आप 1000 बोल रहे, तो कहाँ क्या दिक्कत आ रही है, क्या है वन, आप पिटाई लग जाएगी अब तो। अब क्या होगा अंशुल, वो क्या दिया हुआ था, वन मेट्रिक टन आयरन है ना, तो इसका मतलब आयरन का मास कितना हो गया 1000 kg। अब ग्राम में कर लो इसको, तो 10^6 हो जाएगा, ये ग्राम में आ गया। अब आयरन का मोलर मास आपको पता ही, एटॉमिक मास पता ही होता है 56, है ना, तो मोल निकाल लोगे, अब आ जाएगा, ये आ गए मोल, मोल ही निकालने थे ना। स्कूल वालों ने अलग अलग यूनिट्स और ये सब का आपका यूनिट का भी टेस्ट ले लिया है, यूनिट डायमेंशन होता है ना पहले चैप्टर में, जेई में तो आता नहीं है, है ना, लेकिन ठीक है फिजिक्स में तो आता ही है, तो सीख लेना चाहिए। नुकसान वाली कोई बात नहीं है ना, फोन पीडीएफ में आ जाएगा, पीडीएफ में चिंता मत करिए आप, तो अपना लेक्चर 7 है आज। चलो लिमिटिंग विमिटिंग तो बता चुके आपको, अब लिमिटिंग निकालने में कोई दिक्कत थोड़ी आएगी, अब तो निकाल लेंगे ना। क्या प्रोसेस बताया था लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का, भूवी भूवी बताइए जल्दी से, रिएक्शन, हाँ रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट पता करना है तो कैसे निकालते हैं। किससे डिवाइड करने के बाद, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं, जो छोटा नंबर आ जाता है वही क्या होता है, वही लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम करता है। एक तरीका ये था, और दूसरा हम लोग रिएक्शन को देख करके पता लगा लेते थे कि किस में कितना चाहिए तो दूसरे में कितना चाहिए। ठीक है, आप निकाल लेते हैं लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्शन, याद नहीं है। अच्छा भाई, लास्ट टर्न पे हम लोगों ने क्या किया था, एक परसेंटेज प्योरिटी करवाया था आपको, परसेंटेज प्योरिटी का एक न्यूमेरिकल भी दिया था, कर लिया, आ गए होमवर्क था, 2 question। नहीं नहीं पीडीएफ में होमवर्क में 2 question होंगे, ये नहीं, ये देखो ऐसे करोगे आप लोग, एक ही वाला, ये कहाँ हो गया था, तो क्लास के बाद डाला था ना, नहीं किया है, नहीं किया है तो अभी नहीं करेंगे, अब आप पहले करेंगे तब नेक्स्ट टर्न पे मैं बताऊंगी, है ना, जब ट्राई नहीं किया तो पहले से मैं क्यों बता दूं, पहले ट्राई करो, परसेंटेज प्योरिटी निकालना तो सिखाई दिया। हाँ, अब फिर वही बच्चों वाली बात,
क्या पीडीएफ में? पीडीएफ के ऊपर मुझे पता था कि मैं ऐसे क्वेश्चन लिख करके अगर पीडीएफ में भेजूंगी तो अंशुल जरूर बोलेंगे कि पीडीएफ में नहीं था। तो मैंने क्या लिखा, ये देखो कितना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, होमवर्क, बच्चों वाली बात की तरह मैंने करके दिया है दोनों क्वेश्चन में, और मुझे पूरी गारंटी थी, उम्मीद थी कि ये बच्चे करके नहीं आएंगे। कितने लोग करके आए, जिनको पता है वो भी नहीं करके आए हैं। वेरी गुड, अब नेक्स्ट टाइम मैं पनिशमेंट दूंगी, अभी तो मैंने वेरी गुड बोला है। ठीक है, चलो ट्राई कर लेना आप लोग, तब बताएंगे तो ज्यादा मजा आएगा ना। तो प्योरिटी का फॉर्मूला ही बता दो, परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला तो बता दो। लास्ट टर्म की चीज पढ़े पढ़ के आनी होती है ना अंशुल, ऊपर देखिए। आप नहीं, आप तो पहले से पढ़ चुके हैं तो आपको पता है। प्योरिटी, प्योर, हाँ अच्छा ठीक है। परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकालते हैं, कोई भी सैंपल सैंपल है उसमें प्योर कंटेंट कितना है डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल मल्टीप्लाइड बाय 100, भाई परसेंटेज निकालना है तो यही बात होगी। ठीक है ना, प्योर हम कैसे निकालते हैं, प्योर हम रिएक्शन के थ्रू निकाल लेते हैं कि रिएक्शन में कितना होना चाहिए और टोटल सैंपल गिवन कितना है, वो डिवाइड कर दो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज प्योरिटी निकल आती है। परसेंटेज प्योरिटी निकालते हैं किसके लिए, रिएक्टेंट के। अब जो दूसरा टर्म आपको बताने जा रहे हैं वो बताने जा रहे हैं परसेंटेज यील्ड। क्या बताने जा रहे हैं, परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज यील्ड की बात हो रही है। तो परसेंटेज यील्ड निकाला जाता है प्रोडक्ट के लिए, कैसे निकालते हैं प्रोडक्ट के लिए, ये रिएक्टेंट के लिए नहीं निकालते हैं। कितना प्रोडक्ट बना उसका परसेंटेज निकाला जाता है, उसको बोलते हैं परसेंटेज यील्ड। ठीक है, अब होता क्या है, कुछ खास बात नहीं है, फॉर्मूला याद रखना है, अगर क्वेश्चन आएगा तो सीधा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, तो परसेंटेज यील्ड में क्या है, एक्चुअल डिवाइडेड बाय थियोरिटिकल, हाँ एक्चुअल डिवाइडेड बाय थियोरिटिकल मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल, कितना प्रोडक्ट मिल रहा है डिवाइडेड बाय थियोरिटिकल। थियोरिटिकल कैसे पता लगता है, थ्योरेटिकल आपको पता लगता है रिएक्शन से, रिएक्शन से मालूम चलता है कि कितना मिलना चाहिए था। ठीक है, आप क्वेश्चन कराएं तब आपको समझ आ जाएगी बात, क्वेश्चन कर लिया जाए इस पे तो ही बात समझ में आएगी। अभी तो सब क्या लग रहा है, थ्योरेटिकल लग रहा है, कोई कुछ कह रहा है। वेरोनिका, किसी की आवाज आ रही थी, पेज मैंने ओपन करके तो रखा था जो कराने हैं क्वेश्चन आपको। चलो क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन है आपका ऑल कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन, ऑल कार्बन एटम प्रेजेंट इन KH3 C2O4 होल ट्वाइस डॉट 2H2O, जितने भी कार्बन एटम इसमें प्रेजेंट हैं वेइंग 254 ग्राम, ये जो कंपाउंड जो गिवन है इसका मास कितना दे रखा है इन्होंने 254 ग्राम, इज कन्वर्टेड इन टू CO2। बोल रहे हैं जितना इसमें कार्बन है सब किस में कन्वर्ट हो जाता है, CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। हाउ मेनी ग्राम ऑफ CO2 वर ऑब्टेन, CO2 के कितने ग्राम ऑब्टेन होंगे, रिएक्शन वगैरह दिया नहीं है लेकिन हम अंदाजा लगा के रिएक्शन लिखेंगे।
किस बात कैसे रिएक्शन बनाएंगे, इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला, पहली लाइन बोली है ऑल कार्बन एटम प्रेजेंट इन दिस वेइंग दिस इज कन्वर्टेड इनटू CO2, जितने भी कार्बन है वो किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, CO2 में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, फॉर्मूला लिखो, क्या है फॉर्मूला, के एच थ्री सी टू ओ फोर होल ट्वाइस डॉट टू एच टू ओ, यही तो है। कार्बन देखो कितने हैं, दो कार्बन ये हो गए और ये डबल हो गया इसका फोर, तो अगर इससे CO2 बनाओगे तो फोर CO2 बनेगी। इतनी बात सबके दिमाग में क्लियर है, CO2 का फॉर्मूला तो आप CO2 ही लिखते हो, तो अगर एक लिखते हो तो वन कॉन्स्टिट्यूट करेगा, यहाँ पे कितने हैं, बोला है कि सारे के सारे कार्बन प्रोडक्ट में प्रेजेंट होते हैं, प्रोडक्ट CO2 बन रहा, तो चार कार्बन तो फोर CO2 हमने लिख दिया। तो इसका मतलब इसके वन मोल से कितना बनना चाहिए था, फोर मोल ऑफ CO2 बननी चाहिए थी। तो ये जो अमाउंट है ये दिखा रहा है थ्योरेटिकल को, किसको दिखा रहा है, थ्योरेटिकल को, और एक्चुअल इन्होंने पूछा है हाउ मेनी ग्राम ऑफ CO2 वर ऑब्टेन, कितने ग्राम CO2 बनेगा। तो देखो ये टोटल कंपाउंड है 254 ग्राम, तो पहले इसका निकालो मोल, कंपाउंड जो ओरिजिनल दिया हुआ है इसका गिवन मास कितना है 254, इसका क्या निकालें हम मोल, तो मोल निकालने के लिए हमको गिवन मास बाय क्या करना पड़ेगा, मोलर। जब इसका मोलर मास कैलकुलेट करोगे तो आई थिंक यही 254 आएगा, 254 आएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। पोटेशियम का 39 होता है, तीन हाइड्रोजन का तीन हो गया, चार कार्बन का कितना हो गया 12 4 जा 48, और एट ऑक्सीजन का कितना हो गया 16, एट जा कितना होता है 16, एट जा सही बोलो तुम लोग, 128, ठीक है ठीक है, मुझे टेबल नहीं याद है भाई, मैं भूल गई, बुढ़ापा आ गया मेरा, ठीक है। 2H2O का A1H2O का 18 लेते हैं मास, तो 2H2O का कितना ले लोगे 36 ले लो, टोटल कर लो 12 12 प्लस 8 20 20 प्लस 14, कितना आ गया 254 आना चाहिए, देख लो रीचेक कर लो। तुम चेक कर लो, मुझे तो याद है इसलिए मैंने लिख दिया कि सही है एडक्ट की नहीं सही है, ठीक। तो अब आपने मोल निकाल लिया, कितने मोल हो गए, यानी कि जो गिवन कंपाउंड है वो कितना मोल है आपका, वन मोल, और इक्वेशन देखने से हमको पता लग रहा है कि वन मोल से कितने मोल CO2 मिलेगी, अगर ये वन मोल है तो CO2 कितनी मिलेगी, और CO2 मिलेगी, ठीक है, तो इतना ही मिलेगा, यही तो पूछा उन्होंने, कोई परसेंटेज वगैरह की कोई बात नहीं की है। वन मोल से कितना मिलेगा, फोर मोल CO2 मिलेगा, है ना, तो फोर मोल का मास अगर निकालना है तो मास कैसे निकालते हो, मोलर मास ऑफ CO2, तो फोर मल्टीप्लाइड बाई इसका 44 होता है, CO2 का याद है, तो कितना आ जाएगा 176 आ जाए, फोर मोल से कितने ग्राम मिलेगी 176 ग्राम मिल जाएगा आपका, ठीक है। इसमें परसेंटेज यील्ड की कोई बात नहीं हुई, मैंने क्वेश्चन कहाँ से डाल दिया, यही निकालना था और कुछ नहीं निकाल, एक क्वेश्चन यील्ड का, चलो नहीं, चलो इसमें नहीं। अच्छा एक चीज आपको बताई थी कि हाइड्रोकार्बन का अगर कंबशन कराते हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हाइड्रोकार्बन जलता है तो क्या बनता है, CO2 और वाटर, ठीक है।
तो हमारे पास एक तो तरीका था जिससे हमने लास्ट टर्न पे क्वेश्चन किया था कि पहले रिएक्शन लिखो फिर उसको क्या करो बैलेंस करो, ब्यूटेन और किसका किया था हमने क्वेश्चन, प्रोपेन का है ना, कोई मोल वाला क्वेश्चन था रीसेंट जेई में आया हुआ है ना। इसके लिए एक फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो सीधे सीधे, अगर कोई हाइड्रोकार्बन है तो उसके लिए एक फॉर्मूला याद रख सकते हो, जनरल रिएक्शन, ये कई बार काम आ जाती है। देखो ये जो फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं ना ये क्यों याद रखे जाते हैं, जैसे ब्यूटेन और प्रोपेन का जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया तो हमने सीधे सीधे क्या किया था, बैलेंस कर ली थी रिएक्शन, सीधे सीधे क्या किया था, प्रोपेन क्या था आपका C3H8 था ना, इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई थी तो हमने बोला CO2 बनेगा, वाटर बनेगा और क्या बनेगा, एनर्जी निकलेगी, हीट निकलेगी है ना। तो अगर इससे रिलेटेड मोल का कोई क्वेश्चन आता है तो हम सीधे सीधे क्या करते हैं, इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ऐसे ही इसको 3 कर दिया, इसको क्या कर दिया ऑक्सीजन देख लो, हाइड्रोजन यहाँ पे हमने 4 कर दिए तो ऑक्सीजन अब कितने हो गए आपके, 3 × 2 = 6, 6 + 4 = 10, तो इसको हमने क्या कर दिया 5। ऐसे बैलेंस करके हमने मोल वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था, बोला भाई अगर ये 1 मोल है तो ये 5 मोल यूज होगा, ये 3 मोल बनेगा और ये 4 मोल बनेगा। ठीक, यहाँ पे हमें फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ी, हमने सीधे सीधे बैलेंस करके काम अपना बना लिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को थोड़ा सा वो करने के लिए, थोड़ा बच्चे को घुमाने के लिए, ये जो हाइड्रोकार्बन देते हैं ये बड़े से फॉर्मूला का दे देते हैं, ठीक है हाँ, तो उसे बैलेंस करने में कई बार बच्चा कैलकुलेट करने में परेशान होता है, तो उसके लिए अगर आपको सीधे सीधे फॉर्मूला याद हो तो वो बेटर हो, तो वो याद कर लेते हैं, उसमें बैलेंस करने का चक्कर नहीं आएगा। आप एक्स और वाई के टर्म्स में अगर आपको रिएक्शन याद है तो आप सीधे सीधे कर, हाँ सीधे सीधे कर लोगे। अब देखो क्या है, CXHY अगर है तो आपको लेने पड़ेंगे X + Y/4 O2। कार्बन का नंबर अगर X है, हाइड्रोजन का नंबर उसमें कितना है Y है, तो X + Y/4 आपको ऑक्सीजन यूज करने पड़ेंगे। क्या क्या बनेगा, X CO2 बनेगा और Y/2 H2। ये जनरल इक्वेशन है, ये किसी के लिए भी, आप किसी भी हाइड्रोकार्बन के लिए इसको यूज कर सकते, जनरल इक्वेशन है ये किसके लिए, हाइड्रोकार्बन के लिए, हाँ किसी के लिए भी चलिए, हाँ ठीक, इस तरीके से कर सकते हो। तो कैसे याद रखोगे, याद क्या रखना है, C का नंबर X, H का नंबर Y, ऑक्सीजन कितने लेने हैं, X + Y/4 O2 लेने हैं आपने, और X CO2 बनेगा X के अकॉर्डिंग, और ये कितना बनेगा, यहाँ Y/4 लिया था तो याद रखो इसका हाफ ले लेना है, Y/2 H2O बन जाए, ठीक है। प्रीवियस जो इक्वेशन की थी उसमें देख लो यही हो रहा है क्या, ये x है, इससे भी कर सकते हैं, ये x है 3 तो ये 3 बन गए, ठीक है, यहाँ पे क्या है 5 आया, तो x और y को जोड़ के देखो, ये x है आपका 3, y कितना था 8/4 कर दिया तो ये कितना आ गया 3 + 2 = 5 आ गया, ठीक है, और यहाँ पे ये, और ये कितना आ गया 4 आ गया आपका, ये y का आधा आ गया Y/2 है ना। आया तो यही, आपको सिंपल बैलेंसिंग से ठीक लगता है तो ऐसे करो, और अगर उस तरीके से फॉर्मूला से याद रह जाता है तो फॉर्मूला से, ठीक है। जैसे मैं कभी, जब मैं पढ़ती थी तो मैं फॉर्मूला कभी नहीं याद करती थी, मैं खटाखट बैलेंस कर लेती, ठीक। लेकिन अगर किसी बच्चे को दिक्कत आती है बैलेंस करने में तो वो इस चीज को भी यूज, ठीक, क्लियर। अब एक ऑक्सीजन वाला भी फॉर्मूला है और एक नाइट्रोजन वाला है, उसको भी याद रखो, CX + HY
O2, अगर ऑक्सीजन भी है इस कंपाउंड में तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है, एक्स प्लस वाई बाई फोर ये इतना ही रहता है, माइनस में आ जाएगा जेड बाई टू, दिस इज जेड, ये होगा आपका O2, ठीक है। और इससे बनेगा क्या, HCO2 बनेगा, Y बाई टू H2O। अगर कंपाउंड में ऑक्सीजन भी है तो क्या होगा, कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन भी है और उसका नंबर कितना है एटम का, Z है, तो माइनस Z बाई टू आएगा, बाकी सब वही रहेगा, HCO2 एंड Y बाई टू H2। वो डेड है, जेड जेड ये नंबर है, ठीक है। जेई बहुत कॉम्प, स्पेशली जेई मेंस बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है। बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस उठा उठा के दे रहे हैं। बेसिक जो एनसीईआरटी की इक्वेशन है, आपको याद है कि नहीं याद है, उसको चेक करवा रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने कह दिया एनसीईआरटी सिलेबस है, तो एनसीईआरटी भी आपने लाइन टू लाइन पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, इसको चेक कर रहे हैं। हर साल कुछ नया बना रहे हैं, ठीक है। हाँ, एनसीईआरटी में से ही उठा उठा के नया बना रहे हैं, तो एनसीईआरटी का कुछ भी अपने को छोड़ना नहीं है, ठीक है। और ढंग से पढ़ना है, तरीके से, ऐसा नहीं कैसे भी पढ़ लिया। एन भी आ गया इसमें, NZ अगर आ गया तो बाकी सारी कहानी क्या रहेगी, वही रहेगी, ये Y बाई फोर ओ टू ही रहेगा, नया चेंज क्या आएगा, N2 बन जाएगा बस, HCO2 Y बाई टू H2O, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, Z बाई टू जेड बाई टू N2। इसके पहले वाले में जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट था उसमें प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आया था, देखो HCO2 Y बाई टू H2O यही बना था, इसके पहले भी यही था, ऑक्सीजन था तो भी, ऑक्सीजन नहीं था तो भी, डिफरेंस किसका आया था, यहाँ पे माइनस जेड बाई टू आ गया था ऑक्सीजन में, यहाँ पे क्या डिफरेंस आएगा, ये सारी चीजें सेम है, उधर जेड बाई टू N2 बन जाएगा, N2 भी बनेगा ना, नाइट्रोजन जलेगा तो क्या बना है, नाइट्रोजन भी तो निकलेगा, N2 को। ठीक है, तो हर इक्वेशन को दो दो बार तीन तीन बार लिख के देख लेंगे तो आप लोगों को क्या होगा, पक्का हो जाएगा, थोड़ा सा समझ के करना है। परसेंटेज यील्ड हो गया, अब क्या करोगे, अब कर लो वो कर लेते हैं, छोटी छोटी चीजें रह गई हैं अब, ज्यादा ऐसा सीक्वेंशियल रिएक्शन करते हैं। चलो सीक्वेंशियल सीक्वेंशियल रिएक्शन में मोल कैसे लिखते हैं ये देखते हैं, दो तीन रिएक्शन लिखते हैं, फिर उसके बाद उसमें मोल कैसे लिखेंगे, किससे कितने मोल क्या बनेगा, उससे अगले में क्या बनेगा, अगले नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्टेप में क्या चीज बनने वाली है। तो तीन चार इक्वेशन लिखते हैं और उससे इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पहला है Cl2 KOH से रिएक्ट करता है और बनाता है KCl और KClO H2, ये फर्स्ट रिएक्शन है, ठीक है। दूसरा रिएक्शन देखो, यहां से KClO आता है, KClO ब्रेक होगा, KCl बनाएगा और KClO3 बना देगा, ठीक, सिक्वेंशियल रिएक्शन दिखा रहे हैं। तीसरा है आपका KClO3 आएंगे हमारे पास, ये जो एक प्रोडक्ट बना ये ब्रेक होगा और ये बना लेगा KClO4 और KCl, देख पा रहे हैं, बैलेंसिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। हाँ,
टूटा कैसे, ये ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे ना, ऐसा थोड़ी एक ही थोड़ी ब्रेक हो जाएगा, और भी प्रोडक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसको बैलेंस कर लो, बैलेंस में लिख लेते हैं, जरूरत तो पड़ेगी। 3 KCLO और इसको ले लो 4 KCLO3। ठीक है, ऐसे आपको सिक्वेंशियल रिएक्शन लिख करके दिए। ठीक, तो बैलेंस हो गई ना, आप कितनी बैलेंस हो, देखो देख लो, कोई बैलेंस नहीं हो तो बैलेंस को ही यूज करना है अपने को। कोई ऐसी है जो बैलेंस नहीं है, ये पहली गिवन है, ये दूसरी है, ये तीसरी। ठीक है, पहली इक्वेशन क्या कहती है, क्लोरीन रिएक्ट करता है KOH से, KCl बनाता है, KClO बनाता है और वाटर बनाता है। दूसरी रिएक्शन कहती है यहाँ से जो KClO बना वो KClO फिर से ब्रेक होता है, KCl बनाता है और KClO3 बनाता है। तीसरा रिएक्शन क्या कह रहा है, इसमें जो KClO3 प्रोडक्ट बना ये क्या बना ले रहा है, ब्रेक होके KClO4 प्लस KCl बना ले रहा है। ठीक, अब रिएक्शंस को हमने चेक कर लिया कि सारी रिएक्शंस बैलेंस है या नहीं है, तो हमें देखने को मिला कि सारी की सारी रिएक्शंस बैलेंस है। अब हमको मोल लिखने हैं कि किससे कितने मोल बनेंगे। एक को एज्यूम करो, इसको मानो एक्स मोल। ठीक, Cl2 को अगर तुमने एक्स मोल मान लिया तो ये कितना होगा बताओ भाई। ये अगर एक्स, ये अगर वन है तो ये कितना है, टू है, जस्ट डबल है। इसको अगर एक्स मोल मान लिया तो ये कितना होगा, 2x। कोई दिक्कत किसी को, ये तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिख के देख के ही लिख रहे हैं ना, ये वन है तो ये टू है, ये एक्स है तो ये 2x हो गया, डबल हो गया। अब ये वन था तो ये कितना था, वन, तो ये भी कितना होगा, एक्स। ठीक, ये वन था तो ये भी कितना है, वन ही है, तो ये भी कितना होगा, एक्स। H2O की बात नहीं करते, प्रोडक्ट इनकी ही बात की जा रही है। ठीक है, अब यहां तक हमको पता चल गया कि KClO कितना मिला हमें इस इक्वेशन से, एक्स मोल मिला। ठीक, अब KClO हमें एक्स मोल मिला हुआ है, ये एक्स मोल है। ठीक, तो अब KCl और KClO3 का अमाउंट लिखना है, अब कैसे लिखें। अब देखो, अब कहानी में क्या आ गया, ट्विस्ट, कि भाई अगर ये 3 है तो ये कितना है, 2 है, तो निकाल सकते हैं सीधे सीधे, अगर KClO3 था तो KCl कितना था, 2 था। अब हम बोल रहे हैं कि KClO X है, कितना है, X है, तो अगर ये X है KClO तो ये कितना हो जाएगा, KCl 2/3 X आ जाएगा। क्लियर होती है बात, तो इससे आपको समझ में क्या आया कि अगर आप इसको X लेते हो तो ये, इसको बनाने के लिए आप इसको लिखने के लिए कैसे लिखोगे, इसका कोफिशियंट मल्टीप्लाइड बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस। क्लियर होती है बात, इसका कोफिशियंट मल्टीप्लाइड बाय दिस डिवाइडेड बाय, तो क्या किया आपने, इसको लिखना है तो कैसे लिखा, 2x/3। कोई दिक्कत, अब इसको लिखना है तो इसको कैसे लिखे, अब इसका कोफिशियंट, इसका कोफिशियंट 1 है तो इसका कोफिशियंट एक्स डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ गया 2x/3 मोल, ये कितना आ गया, x/3 मोल। यहां तक बात क्लियर है, तो मतलब अगर आपको किसी के पता है मोल्स तो आप क्या करते हो, अगले वाले क्या कोफिशियंट मल्टीप्लाइड बाय रिएक्टेंट के मोल्स डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट। तो एक फॉर्मूला काइंड ऑफ याद रख सकते हैं आप, कि जिसके लिखने हैं आपको उसका क्या करते हो, उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट, मान लो प्रोडक्ट के लिखने हैं,
ठीक, अमाउंट किसका लिख दिया आपने, रिएक्टेंट का, उसी के तो मोल लिखे, और फिर जिस रिएक्टेंट से वो बन रहा है उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। कोई दिक्कत? अब इसी बेसिस पे अगला लिखेंगे। अब यहां से हमको KClO3 यूज हो रहा है ना, तो देख लो KClO3 हमें कितना मिला, x बाई थ्री मिला, देख पा रहे हैं x बाई थ्री, तो अब ये हमारे पास क्या है, x बाई थ्री है, तो अब इसको लिखना है तो क्या करें, इसका कोफिशियंट, ठीक है, कैसे, देखो ध्यान से, इसका कोफिशियंट मल्टीप्लाइड बाई इसका अमाउंट डिवाइडेड बाई इसका, तो कितना आ जाएगा, 3x बाई 12 आ जाएगा, x बाई 4 आ जाएगा, 3 कट जाएगा, x बाई, इस स्टेप में अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल। ठीक है, मतलब रिएक्टेंट का मालूम है तो जो भी अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग उस अमाउंट को लिख लो पहले, फिर इसके कोफिशियंट से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट के कोफिशियंट से डिवाइड कर दो। ठीक है, ऐसे ही चल रहा है ना, चल रहा है, बंद है, गर्मी तो लग रही है बच्चों को, गर्मी लग रही ना आशा, इसका ये ऑन कैसे, बच्चे से मेंटेन तो नहीं होगा, अभी तो चल रहा था ना, चल रहा है, 25 पे गर्मी लग रही है पता नहीं। चल ये x बाई फोर हो गया, अब इसका बताओ क्या हो जाएगा, क्या करेंगे, पहले इसका कोफिशियंट, फिर इसका अमाउंट, और फिर उसके बाद इससे डिवीजन, x बाई, क्लियर है बात। तो इन सीक्वेंशियल रिएक्शन में केवल मोल्स किसके दिए थे, क्लोरीन के, और हमने पता किसके लगा लिए, सबके मोल्स पता लगा लिए, ठीक है, केवल इसकी बेसिस पे, ठीक है। ये क्या थी, इसको सीक्वेंशियल रिएक्शन क्यों बोला, इस रिएक्शन से एक प्रोडक्ट बना, उस वो प्रोडक्ट फिर से रिएक्ट किया, दूसरा प्रोडक्ट बनाया, फिर उस दूसरे प्रोडक्ट ने फिर से रिएक्शन किया, तीसरा प्रोडक्ट बनाया, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, सीक्वेंशियली, ए से बना बी, बी से बना सी, सी से बना डी, क्लियर है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में अगर आपको अमाउंट कैलकुलेट करने को बोला जाए, किसी का अमाउंट दे देता, सपोज बोलता ये सिक्वेंशियल रिएक्शन है और KClO4 का अमाउंट है इतने मोल्स, 12 मोल्स, तो आप Cl2 के मोल्स बताइए, तो निकाल सकते थे शुरू से Cl2 को x मान लेते, फिर सबकी वैल्यू निकालते, अगर इसके मोल्स दिए हुए हैं तो इसका मतलब x बाई फोर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, तो x की वैल्यू आ जाती है अपने पास, और x की वैल्यू क्या है, Cl2 की है, क्लियर। रिएक्शन सीक्वेंशियल देंगे ना, हमें क्या पता क्या हो रहा है, रिएक्शन देंगे तभी तो, या तो लैंग्वेज में लिख के देंगे, लैंग्वेज में लिख के देंगे तो आपको बैलेंस करने का काम बढ़ जाएगा, आपको बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस दे दी तो। चलो एक क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन तो इजी है, ये टफ था क्वेश्चन, बैलेंस पे बेस्ड इजी है। बोल रहे हैं सल्फर ट्राईऑक्साइड मे बी प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग टू रिएक्शन, सल्फर ट्राईऑक्साइड दो रिएक्शन से बन सकता है, सल्फर ट्राईऑक्साइड मे बी प्रिपेयर्ड बाई टू रिएक्शंस, दो रिएक्शन से बन सकता है, कौन कौन से हैं, एक है आपका एस एट प्लस एट ओ टू गिव्स, इन्होंने क्या बनाया है, एट एस ओ टू, अच्छा दो रिएक्शंस को यूज करके बना रहे, फिर उसके बाद एट ये एस ओ टू ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बनाता है SO3, ये दो रिएक्शंस के थ्रू ये किसको बना रहे हैं, सल्फर ट्राईऑक्साइड को बना रहे हैं,
तो पूछ क्या रहे हैं, हाउ मेनी ग्राम ऑफ SO3 विल बी प्रोड्यूस फ्रॉम 1 मोल ऑफ एसिड। एकदम इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा है इन्होंने हाउ मेनी ग्राम ऑफ SO3 विल प्रोड्यूस फ्रॉम 1 मोल ऑफ S8। S8 के कितने मोल्स लिए, 1 मोल लिए, ठीक है। तो रिएक्शन आपको पता लग रही है, S8 मिलके बनाया SO2, फिर SO2 से क्या बना SO3, सिक्वेंशियल रिएक्शन है, सीधे सीधे देख लेते हैं। इसको देखो, इसके कितने दिए हुए हैं, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कितना, रिएक्शन भी कहता है ये 1 मोल है और क्वेश्चन में भी कितना दिया है। अगर ये 1 मोल होगा तो ये कितना यूज होगा, ये कितना बनेगा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, 8 मोल बन गया ये। अब बोल रहे हैं दूसरा रिएक्शन, इन्होंने ये बता दिया, ठीक। इसका अमाउंट कितना आ गया, 8 आ गया, 8 आ गया। अब ये 8 है तो ये कितना होगा, ठीक है। अब देखो, अगर ऑक्सीजन के बारे में नहीं भी सोचना है तो नहीं भी सोच सकते हैं, अभी सोचेंगे, हमें निकालना है SO3 का अमाउंट, तो देख लेते हैं। अगर ये 2 है तो ये कितना है, 2 है, देख पा रहे हो, 2 SO2 है तो कितने SO3 बने, 2 ही बने। तो अगर ये 8 है तो ये कितना बनेगा, 8 मोल ही तो बनेगा। और क्वेश्चन में पूछा क्या है, SO3 का अमाउंट, तो मोल आ गए, 8 मोल SO3 प्रोड्यूस होगी, तो मोल से आपको क्या निकालना है, मास निकालना है। तो मास निकालने के लिए क्या करते हैं, मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास कर दें SO3 का। SO3 का मोलर मास कितना होगा, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 48। तो कितना आ जाएगा ये, 82, 80, 80, चलो। तो ये कितना आ जाएगा, 640 ग्राम। कोई दिक्कत, क्लियर हुई बात सबको। SO3 पूछा था इन्होंने, दोनों रिएक्शन को यूज करके हमने SO3 निकाल लिया। ऑक्सीजन यूज्ड पूछ लेता तो कैसे निकालते आशय, ऑक्सीजन यूज्ड पूछ लेता, टोटल ऑक्सीजन यूज्ड तो कैसे निकालते, टोटल। हाँ, दोनों रिएक्शन मिला के अगर पूछ लेता, सब लोग सोचिए ये कितना होता, इसके बारे में सोचो भाई। अगर ये 2 है तो ये कितना दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है ना, तो अगर ये 8 है तो ये कितना यूज होगा, 4 ही तो यूज होगा। और अगर आपसे पूछ लेता कि पूरी रिएक्शन में कितने मोल ऑक्सीजन यूज हुए, तो ऑक्सीजन यहाँ भी यूज हुए, ऑक्सीजन यहाँ भी यूज हुए, दोनों जगह तो यूज हुए, तो यहाँ कितने यूज हुए, 4 मोल, यहाँ कितने यूज हुए, 8। तो आप क्या बता दोगे, दोनों चीजें पूछी जा सकती है ना, टोटल ऑक्सीजन यूज्ड कितने हुए, 8 पहले में और 4, 12 मोल्स यूज हुए। अगर अमाउंट पूछ लेते तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते, ऑक्सीजन O2 का मोलर मास कितना होता है, 32, कितना आता, 80। क्लियर होती है बात। तो सीक्वेंशियल रिएक्शन में आपको, आपने किस पे फोकस करना है, क्या गिवन है और क्या हमें निकालना है। और आपको तरीका बता दिया कि कुछ रिएक्शन जैसे इसमें हमें कुछ भी ऊपर नीचे स्टोइकोमेट्री से डिवाइड वाइड नहीं करना पड़ा, क्यों नहीं करना पड़ा, इसके सीधे सीधे से हमने ये निकाल लिया। और ये हमें पता चल गया, जब 8 मोल था तो ये 2 था तो ये भी 2 था, कहीं मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये जितना है वो भी इतना है, तो ये 8 था तो ये भी 8 आ गया सीधे सीधे, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था,
जो एग्जाम्पल कराया था उसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेसी थी, जो क्वेश्चन है वो क्या है इजी। ठीक है, तो आपको दोनों तरीके का मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। सबको क्लियर है? क्षितिज, क्षितिज वर्णित, वेरोनिका, भूवी, सबको क्लियर? चल नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं, सीक्वेंशियल सीख लिया। अब सीक्वेंशियल का कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे पक्का। अभी देती हूँ 2 मिनट में, एक और चीज करवा दो, एक और कर लो। पैरेलल रिएक्शन, बात एक ही तरीके की है, देख लो। पैरेलल रिएक्शन सब में कॉन्सेप्ट क्या लगना है? मोल का ही कॉन्सेप्ट लगना है। पैरेलल रिएक्शन कहने का क्या मतलब है, देखो KCLO3 ब्रेक हो रहा है, KCL बना रहा है और 3/2 O2 बना रहा है, एक रिएक्शन ये। दूसरा, इसके साथ साथ दूसरा रिएक्शन चल रहा है, KCLO3 ब्रेक होता है, बनाता है 3KCLO4 प्लस KCL। ठीक, दो रिएक्शन आपको गिवन। पैरेलल क्यों बोला? इसमें भी रिएक्टेंट यही है, इसमें भी रिएक्टेंट यही है, एक में KCL और ऑक्सीजन बन रहा है, दूसरे में क्या बन रहा है, KCL और KCLO4 बन रहा है, दोनों साथ साथ चल रही है रिएक्शन, पैरेलल बोल दिया। अब क्वेश्चन बोल रहे हैं 6 मोल्स ऑफ KCLO3 डिकम्पोज्ड अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग रिएक्शन, मोल्स ऑफ KCLO4 प्रोड्यूस्ड। बोल रहे हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 मोल्स ऑफ KCLO3 डिकम्पोज, मतलब ये 6 मोल डिकम्पोज हो रहा है, टोटल कितना खर्च कर रहे हैं हम इसको, 6 मोल्स। तो कुछ इसमें यूज होगा, किस कुछ इसमें यूज होगा, इतनी बात तो सबको समझ आती है। ठीक, अगर इसमें यूज्ड एक्स मोल मान लो और इसमें यूज्ड वाई मोल मान लो, तो टोटल कितना यूज कर रहे हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज ही कह रही है कि 6 मोल यूज कर रहा, तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसा कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6, एक इक्वेशन ये बन गई। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में क्वेश्चन कहता है कि इस तरीके से हो रहा है, और कैलकुलेट मोल्स ऑफ KCLO4 प्रोड्यूस्ड, कैलकुलेट मोल्स ऑफ KCLO4 प्रोड्यूस्ड, KCLO4 कितना प्रोड्यूस होगा ये निकालना है आपको, इफ O2 प्रोड्यूस्ड इज 3 मोल्स। O2 कितना बन रहा है, 3। O2 कितना बन रहा है, 3। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई, निकालना क्या है, KCLO4 कितना प्रोड्यूस होगा, ये प्रोड्यूस जो। ठीक, अब देखो, अब एक्स वाई कर लेते हैं, आंसर पता नहीं, आंसर होगा कुछ। चल, अगर ये एक्स है तो ये कितना होना चाहिए, ध्यान से देखो भाई, अगर ये 1 है तो ये कितना है, 1 ही है, देख पा रहे हैं, बैलेंस रिएक्शन है। पहले क्या देखना होता है कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है, रिएक्शन बैलेंस है। सिक्स माइनस एक्स ले लें, वाई ले लें तो कोई दिक्कत है, हाँ तो बस ठीक है, ये एक्स ले लिया। ठीक है, तो ये कितना होगा, एक्स होगा, ये कितना हो जाएगा, में किसी को कोई प्रॉब्लम? अब आपसे कुछ, एक ही रिएक्शन में तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है देखो, और ये बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन कितनी प्रोड्यूस हो रही है, 3 मोल्स, इसका मतलब ऑक्सीजन प्रोड्यूस कितना दिया है क्वेश्चन में, 3 मोल्स दिए हुए हैं, तो यहीं पे ऑक्सीजन मिल रही है, तो इसका मतलब 3x/2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 3। तो x इज इक्वल टू निकाल सकते हो,
यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? एक्स की वैल्यू आ गई। अब आपको ये निकालना है, तो इसको देख लो, अगर ये वन है वाई की वैल्यू तो आ जाएगी 6 - 2, 4 आ गई। ठीक है, तो अगर ये 4 मोल है तो ये कितना होगा? ये रिएक्शन बैलेंस है, देख लो, बैलेंस नहीं है ना, नहीं। तो बैलेंस करनी पड़ेगी, बिना बैलेंस किए तो काम नहीं बन सकता ना। इसको वाई मानो, ये 4 करोगे तब ये बैलेंस होगी। अब हो गई बैलेंस, ठीक है। तो अब देखो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 आ गया, तो इसका मतलब ये कितना है आपका, 4 मोल्स है। और क्वेश्चन को देखने से क्या पता लग रहा है कि अगर ये 4 मोल है तो ये कितने मोल बनेगा? 3 मोल। इसी का अमाउंट पूछा है, जो रिएक्शन कह रही थी, रिएक्शन कह रही थी ये 4 मोल है तो ये 3 मोल बनेगा, और रिएक्शन में हमने इसके जो अमाउंट कैलकुलेट किए वो भी कितने कैलकुलेट कर लिए, 4 ही कैलकुलेट कर लिए, सेम है, तो इसका अमाउंट भी क्या होगा, सेम ही होगा। तो आपका KClO4 कितना बन जाएगा, 3 मोल्स। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो बोल दो। एक और क्वेश्चन है, ठीक है। रजत जैसे कह रही थी x मान लो, उससे भी हो सकता था भाई, इसको 6 - x मान लेते हम लोग, है ना। y जो माना है, तो रजत ने बोला टोटल x है, टोटल 6 है, तो इसको x मानो, इसको 6 - x मान लो, उससे भी कर सकते थे। अब अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करके बताएंगे। सेम पैटर्न पे है, पैरेलल रिएक्शन पे, ध्यान से देखिए और ध्यान से। चलिए भाई, लिखिए लिखिए और सब लोग ट्राई कीजिए। मानवेंद्र क्लियर हो रहा? क्वेश्चन इक्वेशन है, A2 + 2B2 gives A2B4। एक रिएक्शन ये है, दूसरा रिएक्शन है 3 by 2A2 + 2B2 That is equal to A3B4। दो रिएक्शन हो रहे हैं, ठीक। अब देख लो, रिएक्शन में लिख रहे हैं दो सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं, A2 और B2। एक बार प्रोडक्ट बनता है A2B4, दूसरी बार प्रोडक्ट बनता है A3B4। क्वेश्चन को, इस इक्वेशन को लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो मैं लैंग्वेज नहीं लिख रही। क्या बोला इन्होंने, टू सब्सटेंसेस A2 और B2 रिएक्ट एंड फॉर्म A2B4 और A3B4। अब आगे की जो मेन बात है वो लिख लेते हैं। कैलकुलेट कंपोजिशन ऑफ फाइनल मिक्सचर, कैलकुलेट कंपोजिशन ऑफ फाइनल मिक्सचर व्हेन 5/4 mole ऑफ A2 एंड 2 moles ऑफ B2 आर टेकन। बोल रहे हैं कि अगर इक्वेशन में 5/4 mole A2 के लेते हो और 2 moles लेते हो आप B2 के, तो जो बाद में रिएक्शन मिक्सचर बचेगा उसमें क्या क्या कंपोजिशन होगा, उसका मतलब क्या क्या चीजें होंगी और कितनी कितनी, ठीक। हाँ, निकाल के देखो, कैलकुलेट करके। इसका शुरू का अमाउंट 5/4 दिया हुआ है A2 का, और इसका कितना दिया हुआ है, 2 moles दिया। ठीक,
क्या यही आएगा? फाइव बाई फोर मोल्स दिया हुआ है ना इसका, इसका मतलब जितना इसमें यूज हो रहा है और जितना इसमें यूज हो रहा है दोनों का टोटल दिया है 5/4, और इन दोनों का टोटल दिया हुआ है 2 मोल्स इन दोनों। एक मिनट सोचो, नहीं आए तो मैं बताऊं। सब लोग ब्रेन एक्सरसाइज कीजिए अपनी। स्टार्ट करो, इक्वेशन लिखो, एक को एक्स मानो, दूसरे को वाई मानो, एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या दी है वो देखो। मिक्सचर दिया है मेरे ख्याल से, लैंग्वेज यही है। कैलकुलेट कंपोजिशन ऑफ फाइनल मिक्सचर व्हेन 5/4 मोल ऑफ A2 एंड 2 मोल्स ऑफ B2 आर टेकन। शुरू में इतने लिए गए हैं, इसका मतलब जितना टोटल A2 खर्च कर रहे हो आप वो 5/4 है दोनों रिएक्शन में मिला के। सोचिए, ट्राई करो, ट्राई करो। सब लोग सोचो कैसे हो सकता है, जितना भी दिमाग चल रहा है चलाओ। पानी, पानी पियो और दिमाग चलाओ। ले लो, अंशुल की बात है। अंशुल जल्दी जल्दी करो, तुमको जा सबसे ज्यादा समझ में आया, सबसे आगे बैठे हो, जल्दी करो। पहला आंसर तुम्हारी तरफ से आना चाहिए, ऐसा मत करिए मैम मेरे साथ। सब लोग ट्राई कर रहे हैं, कर लिया? ये कुछ नहीं है, क्या है? अब बोलेंगे मैम कुछ नहीं है, निकल नहीं रहा है, मैम कह रही कुछ नहीं है। सिंपल मैथ्स है, ध्यान से सोचो। इसका इसका एडक्ट ये है, ये इतना है तो दूसरा कितना होगा, ऐसे सोचना है। कुछ खास बात है ही नहीं इसमें। बताऊं, जिसका आ गया है वो चेक कर लेना, है ना, जिसका नहीं आया वो समझेगा कि कैसे करना। चलो भाई, पहले पीछे वाला, पीछे वाले को एक बार एक्सप्लेन करूं। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या दिया था? पीछे वाले क्वेश्चन में इन्होंने बोला था 6 मोल्स KClO3 डिकम्पोज हो रहा है। KClO3 इसमें भी डिकम्पोज हो रहा था, इसमें भी हो रहा था, टोटल कितने दिए थे? 6 मोल्स। एक को मान लिया x, दूसरे को मान लिया y, x प्लस y इज इक्वल टू 6, पहले इक्वेशन ये पता लग गया, ठीक। फिर दूसरी बात इन्होंने बोली कि, कैलकुलेट मोल्स ऑफ KClO4 प्रोड्यूस।
KClO4 कितना प्रोड्यूस होगा उसके मोल्स बताइए। ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है 3 मोल्स। तो आपने देखा कि केवल एक इक्वेशन ऐसी थी जिसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा था, ऑक्सीजन था 3/2 मोल्स, ठीक है। और 3/2 इज इक्वल टू एक्स के टर्म्स में हमने निकाला तो एक्स इज 3x/2 आया था, तो 3x/2 इज इक्वल टू 3/2 3 आ गया था, तो हमने क्या कर दिया, ये 3 के इक्वल कर दिया, तो हमें यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई, तो y की वैल्यू 4 आ गई। और जब x और y की वैल्यू आ गई तो आपको पता चल गया कि ये कितना बनेगा, ये 4 था तो ये 3 था, तो 3 निकाल लिया हमने, ठीक है। अब अगले में भी सेम फंडा लगाना, सेम टू सेम, ठीक है। चलो भाई सोचते हैं, एक को मानो, क्या मानो, x मान लेते हैं, दूसरे को मान लेते हैं y, इसको मान लो x, इसको मान लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, 5/4 मोल ऑफ A2 यूज हो रहा है, तो इसका मतलब x प्लस y इज इक्वल टू क्या बन गया, 5। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अब देखो ध्यान से, अगर ये 1 है तो ये कितना है, 2 है, देख पा रहे हो, अगर ये 1 है तो ये कितना है, 2। तो इसका मतलब अगर ये x यूज होगा तो ये कितना यूज होगा, 2x, ठीक। इसको देखो, अगर ये 3/2 है तो ये कितना यूज हो रहा है, 2। ये 3/2 है तो b2 कितना यूज हो रहा है, 2। अगर ये y है तो कितना यूज होगा, इतना ही तो यूज होगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4/3y। तो इसका मतलब ये कितना होगा, ठीक। अब आपको क्वेश्चन में b2 भी तो दिया हुआ है, टोटल b2 कितना दिया है, 2 मोल्स दिया है, तो इसका मतलब इसका और इसका एडक्ट क्या आएगा, 2 आ जाएगा, तो 2x प्लस 4/3y इज इक्वल टू क्या आ गया, 2। अब मेरे ख्याल से इससे 2 इक्वेशन बन जाएगी, और x की वैल्यू निकालना चाहो एक्स वाई की तो निकाल सकते हो, ठीक है। एक तरीका और है इसका, हाँ वरुणिका बोलो, B2 की वैल्यू निकालना फिर से सिखाएं। अच्छा देखो, ध्यान से देखो, इस इक्वेशन के लिए A2 की वैल्यू x मान ली, इसके लिए y मान ली, दोनों का टोटल 5/4 दिया था, पहली इक्वेशन सबको क्लियर है। अब अगर ये 1 है तो ये कितना है, 2 है, तो ये x है तो ये कितना हो जाएगा, 2x। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब यहाँ इसको भी ध्यान से देख लो, प्रोडक्ट को भी देख लो, ये भी बनाना है ना हमें, ये x है, ये 2x है, ये 1 है तो ये कितना है, 1 है, तो ये भी x होगा, ठीक। अब देखो y, इसको देखते हैं, ये 3/2 है तो ये कितना है, 2 है, ये 3/2 है तो ये कितना है, 2 है, ये y है, अभी अब की बार क्या है, ये y है, तो मान लो अगर 1 होता तो ये कितना होता, 2/3/2, तो 4/3 हो जाता, अगर ये 1 होता, 1 तो है नहीं, कितना है, y है, तो y के अकॉर्डिंग निकाल लो, तो 4/3y आ जाएगा, क्लियर हुई वेरोनिका बात, ये 4/3y है, ये कितना है, 2x है, दोनों को ऐड करो तो ये वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 मोल्स दी हुई। तो अब क्या करेंगे, 2 इक्वेशन बन गई, अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x y की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, तो निकालो प्रभु, उद्धव आपने भी ऐसे ही किया था,
एक और तरीका इसका हो सकता है, अब पहले ये वाला करके देखो तब बताएं। एक्स वाई की वैल्यू निकालो जरा दो इक्वेशन सॉल्व करके। हाँ जल्दी से निकाल दो, हमको मैथ्स आती नहीं है, तुम लोग हमसे मैथ्स मत करवाओ। एक्स प्लस वाई पहली इक्वेशन में क्या था, इज इक्वल टू 5/4। दूसरी में क्या है, 2x+4/3 इज इक्वल टू कितना, वाई इज इक्वल टू 3/4 आ रहा है, और एक्स इज इक्वल टू 1/2। एक्स इज इक्वल टू 1/2 और y इज इक्वल टू 3/4। ये इक्वेशन सॉल्व कर रहे तो सबको आती है ना, कि बताऊं मैंने 8th में सीखी थी, सही है। तो x और y की वैल्यू अगर आ गई तो अब रिएक्शन मिक्सचर में क्या बनेगा वो पता चल जाएगा आपको। अब आंसर दे सकते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू अगर आ गई हमारे पास, एक्स की वैल्यू कितनी आई 1/2, वाई की वैल्यू कितनी आ गई 3/4। ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये किसने सही सही उतारी है बोलो तो मैं लिखूं, ये पूरी ये दोनों इसके साथ लिखी हुई है, किसने लिखी है तो मुझे फिर से लिखनी पड़ेगी ना इसलिए। चलो लिखते हैं, ए टू प्लस 2b2, ए टू बी फोर। दूसरी क्या थी, a3b4, इनकी वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, इसको x माना था, इसको 2x, इसको x, इसको y, इसको y में कितनी आई थी 4/3। ये कितनी आ जाएगी, अगर ये 2 है तो ये 1 है, हाफ है ना, तो इसका हाफ कर दो तो ये आ जाएगी 4/2/3, हाफ कर दिया ना, ये आ जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या था अपना, ये वैल्यूज रख लो, क्वेश्चन पे भी तो पहुंचे। ये क्या है 1/2 एक्स इज इक्वल टू, ये 2x है तो कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, x की वैल्यू रख दोगे तो x की वैल्यू रख रहे हैं ना, ये 1/2 हो जाएगा। ठीक, ये y इज इक्वल टू क्या है 3/4 है, और ये कितना हो गया 4/3, 3/4 मल्टीप्लाई कर दो तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ गया 3/4 2/3, 3 कट गया 1/2 आ गया। सबके मोल्स आ गए, देख पा रहे हो सबके आ गए क्या, ये 1/2 है, ये 1 है, ये 1/2 और 3/4 है, चेक कर लो 1/2 और 3/4 टोटल इतना आ रहा है जितना दिया हुआ है, 5/4 आना चाहिए। 1/2 और 3/4 कितना आ रहा है, 5/4 आ रहा है, और 1 + 1 कितना आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक है, तो अब ये सब यूज हो जाएंगे, रिएक्टेंट तो सारे यूज हो गए, अब बनेगा क्या रिएक्शन मिक्सचर का मतलब है, अब रिएक्शन हो चुका है, अब प्रोडक्ट में क्या है और कितने मोल है तो आप क्या बताओगे, ए टू बी फोर कितना है मिक्सचर में बाद में, हाफ मोल, और ये कितना है ए थ्री बी फोर, ये भी कितना है, इसका मतलब जो बाद में रिएक्शन मिक्सचर बचा ये तो खत्म हो गया, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन गया, तो प्रोडक्ट कितने कितने बन गए 1/2, एक बना, दूसरा
क्लियर है, कर लेंगे अब ऐसे क्वेश्चन। और देखो एक तरीका शायद और हो सकता था इसका, शायद हम लोग दोनों इक्वेशन को एड अप कर लेते, अगर इन्होंने एक ही आंसर दिया हो, एक ही आंसर दिया हो, तो एक ही आंसर का मतलब समझ रहे हैं कि इन्होंने बोला कि जो दोनों प्रोडक्ट है ना वो मिला के उसका ऑप्शन दिया होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं था शायद, इसमें ऑब्जेक्ट इंटीजर टाइप था, तो इंटीजर टाइप का मतलब है कि आपको इन दोनों के मोल्स बताने थे, टोटल क्या बताने थे, टोटल बताने थे, इंटीजर टाइप है तो टोटल मोल्स कितने हो गए, टोटल मोल्स कितने हो गए भाई, हाफ एक के हो गए और हाफ दूसरे के, तो अपना आंसर क्या आ गया, वन मोल बन गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर ये इंटीजर टाइप था, सेम पैटर्न जो हम समझ रहे हैं वही था, तो हम लोग ऐसे भी शायद निकाल सकते थे, दोनों इक्वेशन को जोड़ दो। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, ए टू प्लस थ्री बाई टू ए टू हो जाएगा, तो ये डेढ़ है और ये कितना है, वन है, तो कितना हो जाएगा, फाइव बाई टू ओ टू हो जाएगा, टू पॉइंट फाइव ओ टू, टू पॉइंट फाइव ए टू, ये कितना हो जाएगा, टू बी टू प्लस टू बी टू फोर बी टू, दोनों को अगर जोड़ो तो ये कितना बन रहा है, टू पॉइंट फाइव ए टू, और ये कितना बन रहा है, फोर बी टू, ये दोनों मिल के क्या बन रहे हैं, ये प्रोडक्ट बन रहा है, यही तो बन रहा है, यस और नो, ए थ्री बी फोर और ए टू बी फोर यही बन रहा है, ये टोटल निकालना था है ना। अब ये 2.5 है तो ये कितना है, 4। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन क्या था, देख लो ध्यान से, ध्यान से देखना, क्वेश्चन में गिवन था बी टू है 2 और ये कितना है, 5/4, इसको देखो, इतना सब कुछ करना भी नहीं था, खिचड़ी भी नहीं पकानी थी, ये है 5/2, तो ये कितना यूज हो रहा है, ये 5/2 यूज हो रहा है, तो ये कितना यूज हो रहा है, 4। ठीक है, अगर ये 5/2 यूज हो रहा है तो ये 4 यूज हो रहा है, हाँ ये देखो ना, आधा अमाउंट दिया है, ये 5/4 है और ये कितना है, 2 है, तो इसको हाफ कर दिया, इसको हाफ कर दिया, तो वो भी क्या बन जाएंगे, यहाँ देख के पता लग रहा था कि एक एक बन रहे हैं, तो अगर इसको हाफ करो, 5/2 का आधा कितना होगा, 5/4, वही दिया हुआ था, 4 का आधा करो कितना हो जाएगा, 2, वही क्वेश्चन में गिवन था, तो इसको इसको हाफ कर रहे हो तो प्रोडक्ट भी तो हाफ होगा, हाफ बनेगा, तो ये 1 बन रहा है, ये 1 बन रहा है रिएक्शन के अकॉर्डिंग, तो ये हाफ हाफ मोल बनेगा, हाफ हाफ मोल अगर बन रहे हैं तो टोटल कितना बन गया, 1। ठीक, तो इतना करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, इन्होंने जो वैल्यू दी थी ना वो इस तरीके की दी थी कि आप सीधे भी। सेकंड वाला प्रोसेस समझ में आया सबको, ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्या हो गई, यहाँ पे खिचड़ी पक गई ना, नेक्स्ट स्लाइड पे इसको लिख देते हैं। अगला क्वेश्चन कौन करके बताएगा, जल्दी बोलो, अब ये कहाँ क्वेश्चन नोट था, अगला कौन बता रहा है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन बता रहा है, नहीं अभी करके जाना है, होमवर्क क्यों दे रहे हैं, दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो ये बन गया 5/2 ए टू, ये बन गया 4 बी टू, ये बन गया 1 ए टू बी फोर, और ये बन गया 1 ए थ्री बी फोर, इसको कर दो हाफ, मतलब डिवाइड कर रहे हो 2 से पूरे में, तो ये 5/4 बन गया, तो ये कितना बन जाएगा, 2, तो ये कितना बन जाएगा, हाफ, तो ये कितना बन जाएगा, हाफ, तो टोटल कितना बन गया, हाफ प्लस हाफ
सीधे सीधे आ जाता आंसर, नो एक्स नो वाई, कुछ नहीं मानना पड़ा, ठीक है। लेकिन आप तो स्टूडेंट हो, मैंने कईयों सवाल किए हैं और करवाए तो भी मेरे दिमाग में जब पहला प्रोसेस कर लिया तब आया कि शायद ऐसे भी कर सकते थे, तो आपको ऐसे भी सोचना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट कौन बताने वाला है, कौन बताएगा? अंशुल कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है? पलक आप बताओगे? नेक्स्ट सवाल कौन बताएगा? चलो भाई, ऐसा ही दे दोगे तो बता देंगे। ऐसा ही कुछ है, एनालिसिस ऑफ गैसियस मिक्सचर है, गैसियस मिक्सचर की एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। कई सारी गैसेस दी, क्वेश्चन क्या है देखो, 10 ml ऑफ मिक्सचर ऑफ CO, CH4 एंड N2 एक्सप्लोडेड विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। बोल रहे हैं कि 10 ml ले लिया CO का, CH4 का और N2 का, ये मिक्सचर लिया है, ठीक। इसको एक्सप्लोड कर रहे हैं किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वॉल्यूम में, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम 6.5 ml, वॉल्यूम कम हो रहा है कितना, 6.5 ml, और फिर बोल रहे हैं देयर वॉज फर्दर कॉन्ट्रैक्शन, फिर से वॉल्यूम कम हो रहा है, ऑफ 7 ml, ऑफ 7 ml when residual gas was treated with KOH. What is composition of original mixture? हाँ हम ही करवा दें। कंपोजिशन ऑफ ओरिजिनल मिक्सचर का मतलब समझ रहे हैं क्या पूछ रहे हैं? जो शुरुआत में जो मिक्सचर लिया था उसमें कौन कौन सी गैस कितने कितने ml है, भाई टोटल तो इन्होंने शुरू में दे ही दिया था कि 10 ml है ना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, उसके बाद वॉल्यूम कितना कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, 6.5 ml, फिर उसके बाद कोई कुछ गैसेस बच रही हैं उनको क्या कर रहे हैं, KOH के साथ ट्रीट कर रहे हैं, KOH के साथ ट्रीट करने के बाद 7 ml फिर और कम हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्न पे कर लेंगे, करवाना पड़ेगा, तो होमवर्क नहीं है, करवाना पड़ेगा, होमवर्क क्वेश्चन डाल दूंगी करके आइएगा, पिछले टर्न के दो वो भी करके आइएगा, ठीक है। चलिए बच्चा पार्टी, बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू।